नमस्कार आदाब दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन यानी पथरी के बारे में। दोस्तों, हम सभी पथरी यानी किडनी स्टोन की समस्या से बहुत ही परेशान रहते हैं। गलत खान पान के वजह से हमारे किडनी में स्टोन बन जाते हैं, जिससे हम लोगों के पेट में दर्द होने लगता है और इसका इलाज के लिए हम लोग इधर उधर भटकने लगते हैं और कोई उपाय भी काम नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पथरी को आसानी से गलाने व पथरी को किडनी से बाहर निकालने के आसान तरीके के बारे में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिख रहे घंटी को दबा दें, ताकि ऐसे ऐसे नए जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए जानते हैं इसके इलाज के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को पथरी व किडनी में स्टोन जैसी समस्या हो तो पत्थर चट्टे के 3 से 4 पत्ते को तोड़कर पीसकर या कूटकर इसका रस निकालकर थोड़ा सा इसमें पानी मिलाकर रोजाना 10 से 15 दिन सेवन करने से पथरी धीरे धीरे गलकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। दूसरा तरीका है पत्थर चट्टे के 5 से 7 पत्तों को लेकर गर्म पानी के साथ प्रतिदिन चबाने से पथरी पेशाब के रास्ते गलकर बाहर निकल जाएगी। तीसरा तरीका है, आप इसे काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। इसके लिए आपको पत्थर चट्टे के 10 से 12 पत्ते को लेकर 1.5 गिलास पानी में तब तक उबालते रहना है जब तक यह 1/3 न बच जाए। जब 1/3 बच जाए तो इसे छानकर पी लें। यह प्रक्रिया आप कुछ दिनों तक रोजाना करते हैं तो आपके किडनी की पथरी धीरे धीरे गल जाएगी और आप इन समस्याओं से स्वस्थ हो जाइएगा। इलाज के दौरान चूना सुपारी पान गुटखा इत्यादि का सेवन न करें। पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिए। पत्थर चट्टे का इस्तेमाल आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम। इसका इस्तेमाल करने के बाद 1 घंटे तक खाना या अन्य चीजों का परहेज करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।